सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आपका सहयोग बहुत बड़ा इस अवार्ड फंक्शन के लिए रौनक ला सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो फाउंडेशन है, इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन, जो कि 195 कंट्रीज में काम करती है, और इस फाउंडेशन का मिशन है कि हर बच्चे को सैटेलाइट और स्पेस एजुकेशन के बारे में, रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में बताना। और हम उस पर काफ़ी दिनों से काम करें और पिछले करीब 11 ईयर्स से हम इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों में हमने भारत के 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरेटरीज में हमने स्पेस प्रोग्राम किया और 1.5 लाख बच्चों को इस सैटेलाइट और स्पेस एजुकेशन के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ट्रेनिंग दी। हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं जो IITs, ISRO, DRDO से आते हैं और काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस के क्षेत्र में काम करती है वहाँ से आते हैं। इन सभी जो हमने जो काम किया उसके पीछे हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, हमारे जो प्रधानाध्यापक थे, क्योंकि हमें बच्चे कहाँ से मिलेंगे सबसे बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज को में साथ देने के लिए हमारे प्रधानाध्यापकों ने जो 2800 राज्य से और 9 यूनियन टेरेटरी से हमें बहुत साथ दिया, और उसकी वजह से हम इस मिशन को काफ़ी अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि इन सभी प्रधानाध्यापकों ने जो हमारे देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई 75 ईयर में आज़ादी के अमृत काल में हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसी चीज़ को IDBAM ने अपने साथ लिया और हमने स्टार्ट किया 75 प्रिंसिपल, 75 अवार्डीज और 75 ईयर्स। 75 साल में हम हैं, 75 प्रिंसिपल्स हैं और 75 अवार्डीज हैं। लेकिन क्योंकि ये अवार्ड जो है कलाम सर के नाम से है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षा सर्वोच्च सम्मान, भारतीय शिक्षा पद्म भूषण सम्मान, नेशनल चिल्ड्रन एक्सेलेंस अवार्ड जो कि छोटे बच्चों के लिए है, और इस अवार्ड फंक्शन में 205 लोगों को भारत के विभिन्न राज्यों से आए हैं, और साथ ही साथ दुनिया के देश के भी हमारे पास इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और इस अवार्ड फंक्शन के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि देखो, आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, सबसे पहले देश होता है, इसलिए हमेशा दिमाग में रखो, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। यस, IDBAM फाउंडेशन जो है अभी जो है सैटेलाइट एजुकेशन पर काम करती है। सैटेलाइट एजुकेशन में क्या होता है कि हम बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जब मैं छोटा था बचपन में तो मेरे जो गुरु थे वो बोलते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, वो बोलते थे बेटा अच्छे काम करोगे तो NASA में जाओगे। लेकिन मेरे मन में एक हमेशा बात चलती रहती थी कि हमारा ISRO जो इतना अच्छा काम करता हमारे देश के लिए, उसका नाम लोग क्यों नहीं ले रहे। तो एक वजह थी इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन को स्टार्ट करना। हम क्या करते हैं कि बच्चों को पहले जो पहली ट्रेनिंग में उनको बेसिक आइडिया देते हैं कि सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट कैसे बिल्ड होती है और सैटेलाइट कैसे काम करती है। उसके बाद जो उनका जो सेकेंड सेशन होता है उसमें हम बच्चों को ये बताते हैं कि सैटेलाइट को बिल्ड कैसे करना, और उसमें तीन से एक हफ्ते का वर्कशॉप होता है, 3 दिन से 1 हफ्ते का, जिसमें बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चे खुद की एक फेमटो सैटेलाइट बनाते हैं। अभी आपको मैं बहुत खुशी के साथ ये जानकारी देना चाहूँगा कि इन सभी कार्यों के कारण भारत सरकार ने तो हमें मानता दी ही है, UNO ने तो हमें रिकॉग्नाइज किया ही है, साथ ही साथ ISRO जो कि इंडिया की सबसे पावरफुल एजेंसी है, जो कि वर्ल्ड की भी बहुत ही पावरफुल एजेंसी है, उन्होंने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है। एंड नाउ वी आर रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो IDBAM वही कर रही है जो हर एक भारतवासी को करना चाहिए, झंडा ऊँचा रहे हमारा, इस मिशन पर काम कर रही है। 70 कंट्रीज में हमने फ्री में स्पेस प्रोग्राम चलाए हैं बच्चों के लिए, और आने वाले समय में 195 कंट्रीज में चलने वाली है आप सभी के सहयोग से। देखिए सर, जनरली क्या होता है कि बच्चे फोर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं 5वीं क्लास से, तो 5th क्लास से क्या होता है कि बच्चों को ये पता चलता है कि भाई स्पेस के बारे में हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं सैटेलाइट को बिल्ड करने में। तो उसमें क्या होता है कि 5th क्लास के बाद हमें फोर्स के बारे में पढ़ना होता है, प्रेशर्स के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि जब हम एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट को भेजते हैं तो सैटेलाइट करती क्या है, सैटेलाइट क्या करती है कि जो फेमटो सैटेलाइट जो बच्चे बिल्ड करते हैं वो क्या करती है कि एटमॉस्फेयर में जाके टेम्परेचर प्रेशर्स को डिटेक्ट करती है कि अभी का टेम्परेचर क्या और प्रेशर क्या है। तो उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए आपको पहले प्रेशर की जानकारी होनी चाहिए, आपको फोर्स की जानकारी होनी चाहिए, और इस वजह से ही हम वो चीज़ को कर पाते हैं। तो 5th क्लास ऑनवर्ड्स के बच्चे इस सैटेलाइट प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और वो खुद की सैटेलाइट
तीन दिनों के अंदर आई डी वाई एम की मदद से बना सकते हैं। भविष्य में आप कैसे देखते हैं और कितना आगे चीज़ों को देख रहे हैं और कुछ नया जोड़ना चाहते हैं या कितना आपका भूमिका होगा आगे आने वाले? यस, हमारा अगला मिशन है, हमारा बिहार में एक स्पेस स्कूल बनने जा रहा है और हमने छत्तीसगढ़ में एक स्पेस लैब भी बनाया है। रत्नेश जी हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं और मानवी जी मेरी बहुत ही प्रिय दोस्त हैं और काफ़ी सारे मेरे दोस्त सब मिलकर के हमने छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी एक लैब चला रहे हैं और साथ ही साथ पटना में हमारी एक स्कूल आ रही है स्पेस स्कूल, जिसमें गरीब बच्चों को फ्री में स्पेस एजुकेशन मिलेगी। आपने देखा होगा स्कूल जहां पर फिजिक्स की पढ़ाई होती है, केमिस्ट्री की पढ़ाई होती है, मैथ की पढ़ाई होती है, पर आपने ऐसा स्कूल अब इंडिया में आने वाला है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि सेटेलाइट क्या है, रॉकेट क्या है और कैसे काम करती है। ये अवार्ड जो फंक्शन है इसमें सभी प्रिंसिपल्स को बुलाया गया है और प्रिंसिपल्स आप जानते हैं कि नेशन बिल्डर्स हैं, बिना प्रिंसिपल की वजह से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस अवार्ड फंक्शन में सभी प्रिंसिपल्स को बुलाया गया है, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रिंसिपल आए हुए हैं। 205 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा जिसमें 34 स्कूली बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं उनको भी दिया जाएगा। यस, मैं बस सभी लोगों से ही अपील करूंगा कि आप क्या करो, हफ्ते में अपने को 7 दिन मिलता है, दिन में 24 घंटे मिलते हैं, सब लोग मिलके देश के लिए काम करो क्योंकि देश बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे। तो मैं सभी भारतवासियों से और जो भारत के बाहर हमारे जो इंडियंस हैं सभी से मैं आह्वान करता हूं कि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कंट्री कम फर्स्ट, नेशन कम फर्स्ट। इफ़ नेशन विल ग्रो वी विल ग्रो, विदाउट नेशन वी कांट ग्रो। तो सबको 5 मिनट कम से कम अपने देश के लिए योगदान देना चाहिए और जो आप पैसे कमाते हो, जो आप पैसे अर्न कर रहे हो उसमें से कुछ पैसे को कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करो, क्योंकि जब देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, देश का विकास अच्छा होगा, हमारे बच्चों का विकास अच्छा होगा तो डेफिनेटली इंडिया इज़ गोइंग टू अचीव अ लॉट, क्योंकि हमें आने वाले समय में वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बननी है और ऑलरेडी हम सुपर पावर हैं और सुपर पावर तभी हम बन सकते हैं जब हमारे बच्चे खुद की सैटेलाइट और रॉकेट बनाएंगे। थैंक यू सो मच। थोड़ा फिर से आज अवार्ड शो में आप आए हैं, हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस अवार्ड शो में और किस चीज़ के लिए आपको अवार्डेड किया गया है? ये देखिए IDYM की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है ये अवार्ड शो और मैं यहाँ पे बहुत ही अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि एज ए चीफ गेस्ट आया हूँ और यहाँ पे जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने कि देश के लिए काम किया है उनके लिए जो अवार्ड शो किया जा रहा है, बिकॉज ये लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और ये अभी ये पहली शुरुआत है अवार्ड शो की और ये जो अवार्ड शो में जितने भी प्रिंसिपल प्रेरित हो रहे हैं IDYM के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि IDYM का प्लेटफॉर्म 195 कंट्रीज़ में है और यहाँ पे टोटल जितने भी जो हैं प्रिंसिपल्स और एजुकेटर्स सब इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात है और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज 200 लोग जो है 200 प्रिंसिपल ये जगह कम पड़ जा रही है, यहाँ पे आकर के हम ये अवार्ड शो का वो कर रहे हैं और ये इसमें एक स्वागत वाली बात है, देश के गर्व की बात है, क्योंकि हम बात करते हैं IDYM से नेशन फर्स्ट, जो प्रधानमंत्री साहब हमारी बात करते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाना है उस पर ये काम हो रहा है। थैंक यू। This is basically organized by IDYM Foundation for all the principals and this award ceremony is really remarkable, making every person, every individual getting motivated and completely dedicated to their own self so that they can perform very well and become a self-reliant India. Thank you. IDYM और बाकी मेरे सारे दोस्तों का आभारी हूँ। दोस्तों हम लोग DNE में काम करते हैं, डर्मेटोग्लिफिक्स न्यूरो साइंटिफिक एवेल्यूशन, जो किसी भी व्यक्ति के इनेट पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को इवेल्यूएट करके देता है और उसमें छुपी हुई खूबियाँ और खामियाँ क्षमताओं को आइडेंटिफाई करके देता है और उसको अपना ट्रू पैशन जीने के लिए उसको हेल्प करता है। बेसिकली हम लोगों के स्ट्रेस कम करते हैं, कपल कॉम्पेटिबिलिटी करते हैं, प्री पोस्ट मैरिज काउंसिलिंग करते हैं और आज इस वजह से मुझे ये अवार्ड दिया गया है, तो इसलिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। आपको अवार्ड मिला है, कैसा लगा? हाँ, नमस्कार मित्रांनो, कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजीतून येतो आणि आज हा
भारतीय शिक्षा पद्मभूषण पुरस्कार हा मला मिळतो आहे, कारण न्यूमरोलॉजीमध्ये जे उल्लेखनीय कार्य केलं आहे त्याबद्दल मला गौरव करण्यात आला आहे, खूप आनंद होतो आहे. आणि आय वुड लाईक टू थँक फ्यू पीपल, आय वुड लाईक टू थँक माय ठाकूरजी, माय फॅमिली, माय फ्रेंड्स, माय लवली पेरेंट्स, माय लेट ग्रँडफादर, अँड देन द सक्सेस टू लाईक द जर्नी टू द गोल इज आय बिलीव इज इस जर्नी में जितने लोग आपको मिलते हैं, जितने मेंटर्स आपको मिलते हैं और उनसे आप जो सीखते हैं, यही इस जर्नी का सच्चा सबक मुझे ऐसा लगता है. और ऐसी चीज़ें और मिलती रहें बहुत अच्छा लगता है. एंड थैंक यू वन एंड ऑल. लास्ट में वही कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है. संभाजीनगर मला अवॉर्ड मिळाले, खूप आनंद होतो आहे. थँक्यू आय डी एम. आय एम एच ओ डी ऑफ मॅथमॅटिक्स फ्रॉम अग्रसेन विद्यामंदिर. करते रहना, ड्रीम इट, टू इट, डू इट, दिस इज माय मोटो फ्रॉम गिवन बाय अब्दुल कलाम. थँक्यू. आय डी एम फॉर giving me the award as a national art for being and I just want to say one thing, just follow your passion and connect to your soul, and this is the thing which we get when we connect with a soul and with a passion. Thank you so much. Dalal Dalal as a DMIT consultant, graphologist and numerologist. जिससे एक चीज़ तो यह है कि डेफिनेटली इतने टाइम से करने पे हमें कहाँ इमोशनल क्वेश्चन है, कहाँ इमोशंस पे बच्चों को समझाना है, कि बच्चों को डील करना है, कि बच्चों को मोटिवेट करना है, कि एज द कॉम्पिटिशन वर्ल्ड को कैसे कहाँ फेस करें, इससे बहुत हेल्प होती है और हम काफ़ी इसमें मोटिवेट करके बच्चों को आगे बढ़ा पाते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट. फाउंडेशन की संस्थापक हूँ मैं. स्पेशल बच्चे और ऑटिज्म के ऊपर काम करती हूँ और ये बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छा सम्मान मिलना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा खुद को प्रोत्साहन देने की बात है कि हम उन बच्चों के ऊपर भी काम कर पाते हैं या वो चीज़ों को भी रिकग्नाइज़ कर पाते हैं जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता या मंदबुद्धि समझ के छोड़ देता है. थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आप सबको और IDMI को. ये बेसिक, ये मेरे लिए तो इतना क्लास वेन्यू है क्योंकि मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी. यहाँ के कोई भी क्लासरूम या कोई भी हॉल ऐसा नहीं है जिसमें मेरी स्पीच नहीं हुई है. और एंड में जो मिशन पे हम एजुकेशन फील्ड पे हैं, बच्चों की लाइफ को चेंज करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, और एंड में यही कहना चाहूँगा मेरी कंपनी की ओर से, लाइफ पाथ एकेडमी की ओर से, कि अगर खुशियों की कोई दुकान है जिसकी हमें पहचान है, इतनी खुशियाँ भर देंगे उनके जीवन में, भले उसकी कीमत हमारी जान है. थैंक यू. डॉक्टर भावना चावला, मैं भोपाल से आई हूँ, सेंस ऑफ कॉन्वेंट से. मैं एडुकेशनिस्ट हूँ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ. यहाँ आके बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है यहाँ एडुकेशन को, और ये एक तरह का मिशन है जिसे हम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रवि सर कर रहे हैं, जिसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पेस का, टूर का, एजुकेशन मिल रहा है. एंड अलॉन्ग विद दिस इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म गिवन टू दी स्मॉल यंग जनरेशन हु इज़ द फ्यूचर ऑफ आर country. So thank you so much Ravi sir, IDYM, and thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Next. Mahinder Mahanagar Palika mein as a teacher kaam karti hu. वहाँ आदिवासी और गरीब बच्चों की सेवा के लिए, और ये IDVM ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था टीचरों के लिए, सोशल वर्कर के लिए. तो थैंक यू सो मच IDVM जो हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हमें इससे नवाजा. थैंक यू. थैंक यू. डॉक्टर सुमाया रेशमा, एंड आई एम ह्यूज हैप्पी बिकॉज आई एम ऑनर्ड विद दिस डॉक्टर अब्दुल कलाम अवार्ड. भारतीय शिक्षा पद्मभूषण पुरस्कार 2023 एक्चुअली ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क, एंड आई एम सो happy because I am surrounded with so many intellectual visionary people, and education is something we can afford at least for the poor kids, because poverty is cannot deprive from their education. Education is not only supporting a life, it is something which we can it's a cheapest defense our country can have, as Ravi says, nation first. I am thankful to IDYM and
thank you so much. This is increasing my responsibility more. Thank you. Thank you, ma'am. I'm a relationship coach and a mental health practitioner. और मैं IDYM को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें इस अवार्ड से नवाजा. बहुत बहुत धन्यवाद. और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे परिवार की शुरुआत जो है माँ बाप से होती है. माँ बाप का रिश्ता बहुत गहरा असर डालता है किसी बच्चे की ज़िंदगी में. तो अगर माँ बाप का रिलेशन बहुत अच्छा है तो वो अपने बच्चे के ऊपर बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं. तो इसलिए एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत करने के लिए आपको किसी मेंटल हेल्थ या कोच या किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर अपना रिलेशनशिप बेटर करना हो तो प्लीज़ डू इट. और हम जैसे कोच या कंसल्टेंट आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाय, आई एम एलिजाबेथ इस्लास फ्रॉम मेक्सिको एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी टुडे विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड कम टू शेयर ऑन दिस प्रोजेक्ट. I am very happy and very grateful, and we continue working for all the new generation, for all the students, and for the education. Thank you for this, and thank you for all. Thank you. Hello, everybody. I'm Dr. Jemmy Sudhakar. I feel greatly proud to receive this Bharatiya Shiksha Padma Bhushan Award. I did. On behalf of Oakley International School, as the principal of that school, I'm here to say that a big thank you to IDYM team for igniting every principal's life through such innovative awards. We believe that we are going to create intelligent, innovative, communicative, collaborative, critical thinking, problem-solving learners in future with lot of dedication, devotion, and with the motive of imbibing values and culture. Thanks once again to Abdul Kalam ji and the Narendra Modi ji government for recognizing our values. Jai Hind. Thank you. Next. Jai Hind. Dutta, the principal for the BGS NPS school Bengaluru, and this is a very prestigious award for me, and I hope this is giving us a responsibility to take ahead the task that the education, this Ignite IDYMA has given us. So I'm happy, and I will see that how we are going to take the things ahead. Thank you so much for bestowing this award on me. Thank you so much. Yes. Thank you. I'm Dr. Renuka Kevle from Amravati, and I'm thankful to IDYM for participating with such an inspirational award, and thank you so much for such a great opportunity. Thank you. IDYM for recognizing me with this award. और मैं चाहती हूँ कि ये recognition हर जगह हो, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए कि हमने देश के प्रति, अपने देश के बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए. सो आई वुड लाइक टू थैंक IDYM फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश देम अ ब्राइट फ्यूचर एंड सक्सेस. I am Vanita Mekhinde from Sulapur. I would like all the time to teach and to learn everything that is good for our children. Those are the pillars of our nation. मैंने बच्चों को 40 साल से पढ़ाया है, अपनी अध्यापिका थी तब, और बाद में भी रिटायरमेंट के बाद भी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ जो सिर्फ स्कॉलर बन के कुछ बनना नहीं चाहते, जिनको पढ़ाई समझ में नहीं आती, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, ऐसे बच्चों को मैं पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि वो भी अपने अपने परिवार का भविष्य है, देश का भविष्य है. और शिक्षा ही ज़रूरी है कि जो हमारे देश की तरक्की कर सकती है, और शिक्षित लोग की सोच हमारे देश की नैया को पार लगा सकती है. थैंक यू मीडिया का धन्यवाद देता हूँ, जो कि आप जो इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अवार्ड, कोई भी पुरस्कार मिलता है तो जिसको मिलता है उसका तो सम्मान होता है, परंतु मीडिया लोगों तक पहुँचाती है, इसीलिए उसका सम्मान होते रहता है. इस फाउंडेशन पे जो उन्होंने आज लोगों को सम्मान दिया है, उनको भी धन्यवाद, फाउंडेशन को धन्यवाद, और आप मीडिया कर्मी ऐसे ही हमारे आवाज़ को हमारे लोगों तक, भारतीयों तक पहुंचाते रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. कड़क सर, कड़क. ओके, फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि दिस अवार्ड्स एक्चुअली एजुकेशन फील्ड के लोगों के लिए है. एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट्स अ कॉलिंग टू नर्चर द माइंड्स, यंग माइंड्स एंड हार्ट्स. सो हियर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड टेक केयर ऑफ दैट कि वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स एंड यंग माइंड्स. सो वी हैव टू नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट द रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ स्टूडेंट्स but as well as increase the resilience of the students. So this awards definitely will boost my energy to do these things. So thank you, the IDYM, and thank you, all of you. Thank you. Thank you. Last 17 years कारपोरेट क्षेत्र में काम कर रही थी, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चों पे काम करना बहुत ज़रूरी है. तो चाइल्ड साइकोलॉजी पे और काउंसलिंग में मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे देश का अगला भविष्य है. और जब मैं इनके साथ कोऑर्डिनेट करती हूँ तो पता चलता है कि बच्चे बहुत ब्रिलियंट है, बट उनको कुछ छोटे छोटे रीजंस की वजह से वो अपना पिकअप नहीं ले पाते. तो उसके लिए मैं हेल्प करती हूँ विद द हेल्प ऑफ NLP. थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड, दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड. एज वेल एज मैं वॉरियर्स में काम करती हूँ, एनवायरमेंट वॉरियर्स में, ताकि एनवायरमेंट भी अच्छा हो, बच्चे भी हेल्दी हो और देश का सब चीज़ें. थैंक यू सो मच.